जीके इन शॉर्ट पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं जीके इन शॉर्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जयपुर की जनसंख्या कितनी है 2020 के अनुसार, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही आप हमारे जीके के ऐप को डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जयपुर शहर की कुल आबादी 30,46,000 के आसपास थी। आबादी के आधार पर जयपुर शहर भारत का 10वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर था। 1727 ईस्वी में राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बसाया गया जयपुर शहर 467 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर यह राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर के क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ के जनसंख्या घनत्व को देखें तो जयपुर का घनत्व 6532 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार जयपुर शहर में कई अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। इसके अनुसार यहाँ 77.9% लोग हिंदू धर्म के मानने वाले तथा 18.6% लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले रहते हैं। वहीं जयपुर शहर में 2.4% लोग जैन धर्म के मानने वाले हैं। इसके अलावा 1.2% लोग ऐसे हैं जो अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं। 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की गई थी, तब इसके बाद पहली बार 1881 में जयपुर शहर में जनगणना की गई थी। उसके अनुसार जयपुर की आबादी 1,42,600 थी। इसके बाद नियमित रूप से प्रत्येक 10 साल पर यहाँ जनगणना की जाती रही है। 2011 में जयपुर शहर की आबादी 23,22,575 थी, तब यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 53% दर्ज की गई थी। 2011 में जयपुर की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई थी, तब ये 53 से गिरकर 32.23% पर आ गई थी। अनुमान के मुताबिक आने वाले वर्षों में भी जयपुर में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट ही दर्ज की जाएगी। जयपुर की वर्तमान आबादी की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2020 में जयपुर की आबादी 39,99,000 तक पहुंच चुकी है। 2018 के 2.76% के मुकाबले 2020 में जयपुर में जनसंख्या वृद्धि दर 2.54% रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भी जयपुर में जनसंख्या वृद्धि दर अनुमानित रूप से इतनी ही रहेगी। अनुमान के मुताबिक 2035 तक जयपुर की आबादी 55 लाख तक पहुंच जाएगी, तब यहां जनसंख्या वृद्धि दर 2.12% रहेगी। जयपुर शहर में बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो जयपुर की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि द्वितीय राज्य की भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता दी गई है। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में लोग बोलचाल में राजस्थान की स्थानीय भाषा ढूंढरी का भी उपयोग करते हैं। जयपुर शहर भारत के सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक गिना जाता है। यही कारण है कि जयपुर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। 2019 में जयपुर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया जयपुर की जनसंख्या कितनी है। अगर ये नॉलेज आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।